तो मैं चाहता हूँ कि सीधा मंत्री जी से आग्रह करूं कि वो आज का ये लॉन्च जो है इस ऐप को करें और उनके साथ में पूरे साउंड चेक। जब ये लॉन्च हो रहा है तो हम भारतीय सेना के लिए, एपीएमएल के लिए सर 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 और पूरे सर मंच के लिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाए बैठ जाए। जी जी मंत्री जी अपना आशीर्वचन हमको दें। विद्वत्ता और संपत्ति ये आदमी को रिस्पेक्ट जरूर देती है, पर विद्वत्ता और संपत्ति के साथ उसका मानवीय व्यवहार अगर ठीक रहता है तो सही अर्थ में सफलता मिलती है। और इसलिए ये अपने प्रोफेशन में, मिलिट्री में काम करने वाले लोगों के लिए, उनको भी कैसे रोजगार मिले, वो भी सम्मान से कैसे जी सके, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई और उसके ऐप का इनॉग्रेशन किया है। वो तो इसमें सक्सेस मिलेगा ही, इनका भी धंधा बहुत चलेगा, ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं, उनकी कमी नहीं है, धंधे बहुत करते हैं, पैसे कमाने वाले भी बहुत हैं, पर कमाते समय अपने जो लोग काम करते हैं उनके बारे में सोचने वाले लोग नहीं के बारे में। लगता है कि आज इतने बड़े प्रमाण पर सामाजिक दृष्टिकोण से बिजनेस में सक्सेस मिलाना और उसके साथ साथ अपने साथ काम करने वाले छोटे छोटे लोगों के बारे में सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस के भरोसे चिंता करना, ये बहुत सी अप्रिशिएट करने वाली बात है, अनुकरणीय है। मैं अपने मिलिट्री के साथियों के लिए रोजगार भी होगा और जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं वो वेल डिसिप्लिन भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सोच से ये काम कर रहे हैं और आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहे हैं। आउट ऑफ बॉक्स और इस प्रकार से काम करें तो सक्सेस मिलना ही है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सब हमारे सामने झुक जाते हैं। अगर हमारी नीयत में खराबी होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि लोग भी हमको समझते हैं, लोग होशियार हैं, और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और उनकी सोच से हमारे बाकी भी बिजनेस के जो लोग अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभेच्छाएं, नमस्कार।